भाई गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मैक्स टिकट एप्लीकेशन के ऊपर। आप भाई मैक्स टिकट एप्लीकेशन के ऊपर एक अकाउंट को लॉग इन करना चाहते हैं। सो गाइस, आप भाई का अकाउंट जो है वो लॉग इन नहीं हो रहा। सो गाइस, आपको यूआरएल का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यानी कि फेसबुक के थ्रू आप भाई अपना अकाउंट लॉग इन कर रहे हैं, लेकिन आप भाइयों का मैक्स टिकट एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट लॉग इन नहीं हो रहा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप भाई अपने मैक्स टिकट एप्लीकेशन का अकाउंट किस तरह फेसबुक के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, अगर भाई जानना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरी वीडियो को जरूर देखिए। उसके साथ ही सो गाइस, बिना वक्त के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों ने करना क्या है, आप भाई अपनी मैक्स टिकट एप्लीकेशन जहां पे इंस्टॉल है आप भाइयों ने उधर जाके मैक्स टिकट एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप मी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप भाई अपनी फेसबुक सिलेक्ट करते हैं। अगर आप भाइयों के पास दो आप मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन तब आप भाइयों को देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग ऑन करने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अगर आप भाई इसे ऑन कर दें तो आप भाइयों का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये परमिशन हमारी कहां से डिसेबल होती है, तो सबसे पहले तो अगर आप भाइयों को ये ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता तो आप भाइयों ने करना क्या है, आप भाइयों ने अपने जो फेसबुक है जिसके थ्रू आप भाई अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं, आपने अपनी उसी फेसबुक को ओपन करना है। आपने थ्री लाइंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप भाइयों ने सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। सो सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्कूटी वाले ऑप्शन के अंदर सेकंड नंबर पे एप्स एंड वेबसाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आपने इस जगह पे आने के बाद आपको नंबर टू पे फिर आपको फिर नंबर टू पे ही एप्स वेबसाइट एंड गेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने उसके ऊपर टैप करना है। आप भाइयों ने ये ध्यान रखना है आपकी जो परमिशन है ये पहले ऑन होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर देखने को मिल रहा है दिस सेटिंग इज ऑन। तो अगर आप भाइयों के पास ये सेटिंग जो है वो ऑफ है तो आपने सेटिंग को ऑन कर देना है। हमारे पास ये सेटिंग जो है वो ऑन है, ऊपर आप भाइयों को देखने को मिल रहा है दिस सेटिंग इज टर्न ऑन। तो इसके साथ ही आप भाइयों ने अगर ऑफ है तो आपने इसे ऑन जरूर कर देना है, क्योंकि मैंने उधर ऑन कर दिया था और हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल लॉग इन हो चुका है। लेकिन जिन भाइयों को अभी भी लॉग इन नहीं हो रहा ये वाली सेटिंग करने के बाद, आप भाइयों ने नंबर सेकंड पे जो करना है वो करना क्या है, आप भाइयों ने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उस पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप भाइयों ने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मोर सेटिंग पे जाने के बाद नंबर टू पे ही आप भाइयों को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आपने उसे ओपन करना है। और नंबर फर्स्ट पे इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो आप भाइयों ने इंस्टॉल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो उस जगह पे आ जाना है। हर मोबाइल में कुछ सेटिंग अलग होती है, आप भाइयों ने अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग देख लेनी है। तो जहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है उस जगह पे आने के बाद आपने अपनी मैक्स टिकट एप्लीकेशन जो है उसे ढूंढ लेना है। तो मैक्स टिकट एप्लीकेशन ये हमारी पड़ी है। सो गाइस, आपने इसके ऊपर टैप करना है तो इधर कुछ सेटिंग देखने को मिल जाएगी। नंबर फर्स्ट पे स्टोरेज, नंबर टू पे परमिशन। तो आपने नंबर फर्स्ट पे जो स्टोरेज है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इधर देखें कि आपकी जो टोटल साइज है वो 146 MB है, लेकिन ऐप का साइज है 142। तो सो गाइस, जो डेटा हमारा इस्तेमाल हुआ है इसमें 22 MB जो हमारा डेटा है वो इस्तेमाल हुआ है। जब बाबा इसे क्लियर करेंगे तो आपका जो डेटा है वो 0% रह जाएगा, यानी कि आपके जो ऐप का साइज है 142 MB, तो आपका जो टोटल साइज है वो भी 142 MB रह जाएगा। सो गाइस, आप मैं इधर इसे क्लियर डेटा कर देता हूँ। क्लियर डेटा करने के बाद नीचे ही आप भाइयों को क्लियर कैश देखने को मिल रहा है, यानी कि 119 MB जो इस्तेमाल हुई है उसे भी आप भाइयों ने क्लियर कैश कर देना है। क्लियर कैश करने के बाद हमारा डेटा जो है वो कम हो चुका है, यानी कि टोटल जो साइज है वो कम हो चुका है, 142 MB रह चुका है। तो उसके बाद आप भाइयों ने इसे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद जहाँ पे मैक्स टिकट एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपने उस जगह पे जाने के बाद आप भाइयों ने अपना फिर मैक्स टिकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप भाई इसे दोबारा अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप भाइयों का जो अकाउंट का लॉगिन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो 100% सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, आपने मी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देना है। फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी फेसबुक को सिलेक्ट कर लेना है। फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप भाइयों का जो अकाउंट है वो लॉग इन हो जाएगा। सो गाइस, हमारा जो अकाउंट है वो लॉग इन हो चुका है। तो आप भाइयों ने इस जो सेटिंग है इसको लाजमी से ट्राई करना है, जिन भाइयों का मैक्स टिकट एप्लीकेशन का जो अकाउंट है फेसबुक के थ्रू लॉग इन नहीं हो रहा। तो जल्दी से जाइए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा व्यू आते हैं, टिकटॉक से भी ज्यादा मैक्स टिकट एप्लीकेशन के ऊपर व्यू आते हैं, आप जाइए अकाउंट बनाइए। होप आप भाइयों को समझ लगी होगी कि जिन भाइयों का लॉग इन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन जिन भाइयों को सॉल्व नहीं हुआ आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको लॉग इन का कौन सा एरर जो है वो देखने को मिल रहा है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप भाइयों को कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।